नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, फील द चेंज, खबरें वही जो हो सही। पार्टी के अध्यक्ष अरफात शेख ने जनता से अपील किया कि एक बार पढ़े लिखे डॉक्टर को पार्लियामेंट भेजकर देखो और अपना एक वोट दान में देकर देखो, हम आपके सारे कार्यों पर खरे उतरेंगे। इस सभा में प्रत्याशी डॉक्टर नूरुद्दीन अंसारी, अरफात शेख, अबू ताहिर आजमी, अबू दानिश आजमी, आसिफ बाला, महबूब शेख, मुनाफ सैयद, इस्माइल रंगरेज, हसीना अंसारी सहित सैकड़ों समर्थक व जनता मौजूद थी। डॉक्टर नूरुद्दीन निजामुद्दीन अंसारी साहब एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, अंसारी फैमिली से हैं, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, हर चीजें आपको मालूम है। इनको कैंडिडेट हमने क्यों बनाया? हमारे पास तो बहुत लोग कैंडिडेट थे। और से सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए कि जिस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़वा रही है, जहां पे समाजवादी पार्टी को 5-6 लाख वोट मिलता है, 1-2 लाख की बात नहीं करता मैं, 5-6 लाख वोट मिलता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी हर कंस्टिट्यूएंसी पे एक कैंडिडेट खड़ा कर रही है, जहां पर 20,000 वोट खाएगा, 30,000 खाएगा, 40,000 खाएगा। मेरा बोलना यह है कि तुमको अगर बीजेपी के आने का इतना ही डर है तो वहां पे आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? मैं गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बहकावे में ना आकर अपने न्यूट्रल माइंड से सोचिए और जो है एक तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए कि मुसलमान जो है किसी के किसी ठेकेदार पार्टी का गुलाम नहीं है। कि आप तमाम लोग 29 तारीख को अपना कीमती वोट डॉक्टर नूरुद्दीन अंसारी साहब समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल पर जाकर वोट देंगे और कांग्रेस का जो चेहरा है 1947 से लेकर 1993 तक का चेहरा देख लीजिए और उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग तकरीबन 80 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 80 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी कम से कम 60 से 65 सीटों पर जमानत जब्त होगी। हम तो ये नहीं कहते कि आप वहां जाके वोट काटते हो। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी। हकीकत यही है कि आप लोग के भी मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है, वो आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों साथियों, जब मोहम्मद अली खान साहब ये मेरे को इलेक्शन लड़ रहे थे तो यही शहर के अंदर यही कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि मोहम्मद अली खान साहब जो लड़ रहे हैं ये चुनाव में वोट काट देंगे और सेना बीजेपी चुन के आएगी और कांग्रेस हार जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली खान साहब जब लड़ना चालू किए समाजवादी पार्टी से चुनाव, तो हमें बहुत दिक्कतें हुई डॉक्टर साहब, बहुत दिक्कतें हुई। जगह जगह पे हमें मालूम बोला जाता था कि आप वोट काटने के लिए शहर में खड़े हुए। उससे पहले इस भिवंडी शहर में कोई भी मुसलमान हिम्मत नहीं करता था कि 3 असेंबली का हल्का था उसके अंदर चुन के आ सके। समाजवादी पार्टी ने पहल की और जब लहर बनने लगी तो 3,86,000 वोट आप लोगों ने दिया और मोहम्मद अली खान चुन किया है। उसी तरह पार्लियामेंट के अंदर अगर आप एक मुसलमान को नहीं भेजोगे तो पार्लियामेंट के अंदर आपकी वोट को कौन रखेगा? हम इससे पहले विश्वनाथ पाटिल के सामने इलेक्शन नहीं लड़े तो क्या विश्वनाथ पाटिल चुन के आ गए? क्या आगे चुन के बीजेपी चुन के आई ना? उससे पहले यही रशीद ताहिर और सोहेब टुटू चुनाव लड़ रहे थे तो उलमाए कराम जमा हो गया है कि मत लड़िए, आप लड़ेंगे तो बीजेपी चुन के आ जाएगी। हमारे नेता वासिम अहमद साहब ने मान लो क्या चुन के आए सोहेब टुटू या रशीद ताहिर, बीजेपी चुन के आई ना, तो हम नहीं लड़ सकते। आज आपको अपना एक वोट देना है, आज 50 साल से आप शहर में वोट दे रहे हो, दे दो ना एक डॉक्टर नूर को, क्या होता है ठीक पे दे दो ना, वो दे दो ना, ये बहुत लोगों को दे दो। लेकिन जानना हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं जितने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस को ग्रामीण में कोई नहीं पूछता, ये मुसलमान और बहन रोटी के नाम पर इस शहर में वोट मांगने का काम कर रही है। और यकीन जानना रहेगा बीजेपी की बात, नरेंद्र मोदी कहां से प्रधानमंत्री बनेंगे बताओ मुझे आप? उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अखिलेश यादव जी 70 सीटें चुन के लेके आ रहे हैं, कहां से बनेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? क्यों डराया जाता है, क्यों बोला जाता है? कोई डरने की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अब की बार, ये भी लक्ष्य है अखिलेश यादव का, हनुमान में मायावती जी का, किसी भी फॉर्म में रहना।
और फ्री के नाम पर एक वोट 50 साल वोट दिया आप लोगों ने, एक बार सिंगरा दामू बाबू सिंगरा को 200 साल वोट दिया आपने, एक बार अपने भाई को फिर से वोट दे दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, एक बार वोट देखो देख लो और उसका निर्णय आएगा। सुरेश सावरे ने एक भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन ड्यूटी के ताल्लुक से कभी उठाया ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो सक्षमता ही नहीं है। आप उसकी तकलीर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा इंसान है जो बोलता है मेरे पास डंपर नहीं है, माजा है नहीं है, ते अरे ते आम्हाला काय बघायचं, तुझ्या कडे काय, तू लोकांसाठी काय करायचं ते सांग, माझी बायको है ना ते काचा काय कर, तू शहर के लिए क्या करने वाले आप वो विजन बताइए। जैसा आज हमारे पास विजन, इंशाल्लाह अगर हमारी जीत हुई, जीत का पहला मोर्चा डायरेक्ट टोरेंट पावर की ऑफिस में जाएगा, यह मेरा आपका वादा है। घर में ना जाते हुए टोरेंट पावर में जाएगा, आप उन घर में ही जाएंगे और आपको दिखेगा, क्योंकि आपको कहीं से ऊपर से फोन नहीं आएगा कि धरना खत्म करो, ऊपर से कोई बड़े साहब का फोन आ जाता है, बीजेपी वालों का बीजेपी का फोन आता है, कांग्रेस वालों का, जहाँ हमारे नेता अबू आसिम आदमी हो जो कि वो साथ में चलेंगे टोरेंट पावर को ताला लगाने या तो उसकी मनमानी खत्म कर। और अभी दूसरा एक भिवंडी महानगर पालिका ने निकाला है घर पट्टी नल पट्टी प्राइवेटाइज करने का, जिसका असेंस ये सर्वे चालू है वॉइस कंसल्टेंसी के नाम से है, ये टोरेंट पावर है। अभी आपने देखा पावर की वजह से कितने तकलीफ है, कितने लोग मेरे ख्याल से 600 लोग बंद है जेलों में, जिसमें मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से मुसलमान है और बहुत कम गैर मुस्लिम लोग हैं। ये मुसलमानों के साथ जाति करता है टोरेंट पावर, ये हमें भी मालूम है। आप अभी घर पट्टी और नल पट्टी का भी प्राइवेटाइज हो गई, तो आप सोचिए वो डायरेक्ट रात में आके आपका नल कनेक्शन काट देगा, घर में ताला लगा देगा, कितनी तकलीफ हुई। ये कांग्रेस वाले ला रहे, इनके 47 नगर सेवक होने के बाद भी ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो भी इन्होंने प्रोग्राम चालू कर दिया है कि आप अभय योजना लाए, वो आगे बताएंगे कि अभय योजना में ज्यादा फंडिंग नहीं है, इसलिए हमारे शहर की मजबूरी है, शहर के विकास के लिए मजबूरी, इनको पैसा खाने के लिए हर रास्ता दिखाता है, शहर का विकास करने के लिए इनको कोई मुद्दा नहीं समझ में आता। आज ये 35 नगर सेवक, आज इनमें आपस में ही लड़ाई है, जो खुद 35 नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का विरोध किया है, ये आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा, कोई मेरी कही सुनी बात नहीं है, ये जाके थाना के अंदर कॉन्फ्रेंस लिए कि सुरेश सावरे हमको कैंडिडेट नहीं चाहिए, सुरेश सावरे ने हमेशा पार्टी के खिलाफ काम किया है, तो भी कांग्रेस पार्टी ने उसको, जब इनके आपस में एक नहीं है तो एक बार अपना भाई छोटा समझ के भेजिए, जो भी समझ के भेजिए, एक बार पार्लियामेंट भेजिए।